ये हर किसी की जिंदगी में आती है और यही हमें जिंदगी जीना सिखाती है। अब तक किसी को नहीं है इसने छोड़ा, बड़े से बड़े शहंशाहों का भी घमंड है इसने तोड़ा। जिंदगी के राहों में ये कई मोड़ लाती है, एक पल में ही जिंदगी बदल कर चली जाती है। सदियों से चलता आ रहा है इसका और जिंदगी का रिश्ता पुराना, इसने आज तक किसी की बात को नहीं है माना और सबूत है इस बात का सारा जमाना। यही हमें दिखाती है कि कौन है पराया और कौन अपना। होता है ना, जब परेशानी होती है तो अपने साथ छोड़कर चले जाते हैं, तो यही हमें दिखाती है कि कौन है पराया और कौन अपना। ये आती उतनी ही बड़ी तादाद में है जितना बड़ा होगा आपका सपना। माना कि ये जिंदगी में बड़ी तकलीफें लेकर आती है, माना कि ये जिंदगी में बड़ी तकलीफें लेकर आती है, पर क्यों है हम भूलते कि ये आकर चली भी तो जाती है। हमें है लड़ना इससे चाहे हो आर या पार, हमें लड़ना है इससे चाहे हो कोई आर या पार। वादा है खुद से करना ये कि आए कितनी भी बड़ी, चाहे ये कितनी भी बड़ी आए, हमें इससे लड़ना ही है। वादा है खुद से करना ये कि ये आए चाहे कितने भी बड़ी, हम नहीं मानेंगे कभी इससे हार, हम नहीं मानेंगे कभी इससे हार। जिंदगी का जिक्र हुआ था तो जिंदगी से कुछ चीजें याद आती है, एक दोस्त के लिए जिसकी वजह से यहाँ स्टेज पर मैं खड़ा हूँ, उसके लिए कि जिंदगी के चलते चलते अक्सर बेचैन हो जाता हूँ मैं, जिंदगी हारे जैसा लगता है। जिंदगी के राहों में चलते चलते अक्सर बेचैन सा हो जाता हूँ मैं, जिंदगी हारे से लगता है। लेकिन यूं अचानक कोई शख्स नजरों के सामने आता है और उम्मीद की एक किरण दिखाकर चला जाता है, तब एहसास होता है कि खुदा अपने बंदों की किस तरह हिफाजत करता है। जिंदगी का एक परेशानी एक पहला पहलू था, इसी तरह एक अहम हिस्सा है जो हर किसी की जिंदगी में आता है, उसको कहते हैं हम मोहब्बत। इसी मोहब्बत पे एक छोटी सी गजल पेश करना चाहूंगा, तालियों के साथ इसका भी स्वागत करिए। इसको नाम दिया मैंने मोहब्बत में, ये सवाल है सभी के लिए जो मोहब्बत में है, और पेश करना चाहूंगा कि बताइए हमें ये मोहब्बत में शौखे तुंदखू क्या है। शौखे तुंदखू यानि एटीट्यूड, कि बताइए हमें ये मोहब्बत में एटीट्यूड क्या है। हमारे लिए आपकी आरजू क्या है, कि हमारे लिए मोहब्बत में आपकी आरजू क्या है। हम कैसे बताएं कि आपके अदाओं के करिश्मों पर हम कितने फिदा है, हम कैसे बताएं कि आपके अदाओं के करिश्मों पर हम कितने फिदा है। आपके बगैर तो हमारा लहू भी जिस्म से जुदा है। लोगों के होठों पर अक्सर हमसुकन सजी रहती है, लोगों के होठों पर अक्सर आपकी हमसुकन सजी रहती है, और इसीलिए हमें खौफ बद आमोजी अदू यानी दुश्मन के सिखाने पढ़ाने का डर लगा रहता है। और एक मशवरा भी देना चाहूंगा मोहब्बत वालों के लिए कि जरा संभल कर, दुश्मनों ने बदन पर दोस्ती का पैराहन सजा रखा है। जरा संभल कर, दुश्मनों ने बदन पर दोस्ती का पैराहन सजा रखा है, दोस्ती की आड़ में दुश्मनी का नकारे ढोल सजा रखा है। और उन थोड़ा सा समय का पाबंद हूँ इसलिए यही बंद करता हूँ अपनी बातें, और यहाँ जो खूबसूरत परिया बेटी है उनके तारीफ में कुछ कहना चाहता हूँ रिस्पेक्ट से, कि आपके इन खूबसूरत निगाहों के बारे में क्या कहूँ मैं, लगता है रोज जाम पीती है। आपके इन उलझे सुलझे बालों के बारे में क्या कहूँ मैं, लगता है कड़ी धूप में ठंडी छाव लाती है। आपके इन गुलाबी होठों के बारे में क्या कहूँ मैं, लगता है रोज ताजे गुलाब की पंखुड़ियां सजाई जाती है। आपके इस रूप के बारे में आखिर क्या कहूँ मैं, तारीफ सीधा दिल से निकल कर जुबान पर चली आती है दोस्तों। और एक किसी को मैसेज देना चाहता हूँ, इसलिए एक मैसेज देना चाहता हूँ, बहुत एटीट्यूड के साथ कुछ लड़कियां रहती है, तो उनके लिए कहना चाहता हूँ कि माना तू चांद है पर मैं भी हूँ सूरज, माना तू चांद है पर मैं भी हूँ सूरज, और चांद सूरज कभी गले नहीं मिलते, गलती से मिल गए तो पूरी कायनात बिगाड़ के रख देंगे, इसलिए तुम और हम तो कभी नहीं मिल सकते। थैंक यू।